हाय गाइस, ये देखिए हम लोग आज फिशिंग करने आए थे और हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हम लोग फिशिंग करने आए हैं। तो अभी हम लोग ने ये फिश पकड़ा है, इसको चिपको बोलते इसको हैं। चिपको फिश बोलते हैं गाइस। बहुत ही अच्छा फिश है ये, फिश टैंक में रखने के लिए, बड़े फिश टैंक में रखो इसको। और फिश टैंक के सारे कचरे खाती है और काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है फिश टैंक में। ऐसा करके दिखा, और काफ़ी आकर्षक है मच्छी। देखिए गाइस, सीधा कर, देखिए आवाज़ भी करती है दोस्तों, ये पुक पुक, ये आवाज़ भी करती तो है। सीधा ले सीधा, कितने बड़े साइज है। तो देखिए गाइस, इसकी साइज ये देखिए बिग साइज, साइज है। और हम लोग तो ऐसे ही आए थे यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, तो हम लोग को एक बढ़िया फिश लग गई है। लेकिन इसको गाइस खा नहीं सकते, पका नहीं सकते, क्योंकि ये पालने वाली फिश है। इसको पाल सकते हैं फिश टैंक में डाल के, और आपको दिखाने के लिए हमने फिश पकड़ा है। देखिए कितनी अच्छी है और बड़ी भी है काफ़ी ज़्यादा। अगर ये कोई और फिश होती गाइस तो आज इसका सालन बना लेते हम लोग। लेकिन क्या करें, इसका सालन नहीं बना सकते हैं और फ्राई भी नहीं कर सकते हैं गाइस। इसका मुंह देखिए दोस्तों, एकदम नीचे देखिए, नीचे इसका मुंह है, इसका बैक साइड में इसका मुंह है और साइज़ में काफ़ी बड़ी है। तो और दोस्त हम लोग जो करने आए थे वो हम लोग का पूरा हो चुका है गाइस। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, पैकअप करने वाले हैं। आप लोग देख लीजिए कितना मस्त इंटरेस्टिंग फिश है एकदम। अब इसको रेस्क्यू कर देते हैं। अब इसको हम लोग रेस्क्यू कर देंगे गाइस। हमको इसको लेके नहीं जाना है, इसको वापस पानी में छोड़ देना है ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जिए। छोड़ दो अब इसको गाइस, किसी भी जानवर की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। पकड़े हैं फिर वापस छोड़ देंगे गाइस ये, और ये ज़िंदा रहेगी और पानी में अपना मस्त अपनी लाइफ बिताने वाली है। इसको दोस्तों, अगर इसकी देखिए मुंडी गाइस, भी काट देंगे ना तो भी जिंदी रहती है। हम लोग इसको रेस्क्यू कर रहे हैं। देखो दोस्तों, चले गई हो चले गए अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में वापस गई हो। हम लोग को बहुत अच्छा लगा मजा उसको आया पकड़ के। दोस्तों, फिर उसको पानी में हम लोग ने वापस छोड़ दिया, रेस्क्यू कर दिया। अभी हम भी जाते हैं, काफ़ी अंधेरा होने आ गया दोस्तों। देखिए अभी जाने का टाइम हो गया दोस्तों, अब निकलते हैं। एक फिश तो पकड़े थे लेकिन वो चिपको थी। ये सब फिश टैंक की मच्छी है दोस्तों। हम लोग भी पैकअप करने कर रहे हैं अब यहाँ से। काफ़ी चलो अंधेरा हो फ्रेंड्स, रहा है धीरे धीरे यहाँ पे। और अब फिर किसी दिन गाइस टाइम मिलेगा तो फिर आएंगे, फिर आपको एंटरटेन करेंगे। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और एकदम हमारा जोश बढ़ाए रखें। हम आपको और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देंगे, और आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो आपके चैनल पे और अच्छे अच्छे हमारे ऐसी वीडियो आएंगे गाइस। और हम लोग दिल से वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, और आप भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको एक नेचर का अनुभव होगा गाइस। नेचर क्या है, नेचर बहुत अच्छी चीज़ है। नेचर में रहना सीखो। नेचर में रहने से क्या होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ऑक्सीजन मिलता है बहुत अच्छा, और उससे अपना शरीर स्वस्थ रहता है और हम लोग का एक्टिविटी ज़्यादा होता है। और एक्टिविटी ज़्यादा होने से हम लोग काम ज़्यादा कर सकते हैं गाइस, और कुछ भी करने के लिए हमको बॉडी के अंदर सुस्ती नहीं लगेगा, बॉडी फुर्त लगेगा। और बहुत सी चीज़ें होती है जो हमको नहीं पता है, डॉक्टर को ही पता होगा, लेकिन फिर भी हमको जितना पता है उतना हम बता देते हैं। बाय गाइस।